हेलो एवरीबॉडी, हेलो। सो वेलकम बैक टू सुदीप ऑडियोस चैनल अपने अपने घर से। सो आप लोग सब अपने आई मीन नॉट जस्ट बॉलीवुड बट इवन मराठी फिल्म्स, हिंदी फिल्म्स और प्राइवेट एल्बम्स एक्सेट्रा के लिए जाने जाते हैं फॉर बीइंग वेरी गुड परकर्शनिस्ट। आज हम इस वीडियो में ये जानना चाहते हैं, व्यूअर्स के लिए ये डिस्कशन करना चाहते हैं कि क्या क्या एज अ म्यूजिशियन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब हम एक रिकॉर्डिंग में जाते हैं और एज अ टीम जब काम करते हैं। तो इंडिपेंडेंटली दीपेश एंड सत्यजीत जाते हैं एज म्यूजिशियंस अजय अतुल के रिकॉर्डिंग में एज अ म्यूजिशियन, लेकिन कोई कोई कंपोजर जैसे सत्यजीत को बुलाते हैं मराठी फिल्म्स के लिए एज ए रिदम अरेंजर, और कोई कोई हिंदी और मराठी के लिए दीपेश को भी बुलाते हैं एज अ रिदम अरेंजर। तो ओमकार है, शिखर है, अपना केयूर है, तो ये लोग जाते हैं एज अ म्यूजिशियन विद देम डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट एंड यू नो काइंड ऑफ किसके साथ आप काम कर रहे हो, कहाँ काम कर रहे हो। राइट, तो इफ वी कुड स्टार्ट विद इन दिस वीडियो विद सत्यजीत, कि आप बताइए कि जब आप किसी फिल्म के लिए या किसी गाने के लिए जब आपको आता है कोई कॉल कि बॉस ये गाना है, ये डेट है, ये स्टूडियो है, तो आप आ जाइए, तो आप कैसे प्लान करते हो, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, किसको बुलाओगे, कैसे कोऑर्डिनेशन होता है स्टूडियो में, कैसे? बेसिकली एक्चुअली मेरे पास मतलब कभी भी कोई गाना आता है या कोई म्यूजिक डायरेक्टर, जैसे अभी बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर के पास मैं काम करता हूँ, अमित राज, अजय अतुल, बहुत से लोग हैं, बट हर गाने की टेस्ट अलग होती है। सो जब एज ए अरेंजर, एज ए कंडक्टर, जब मेरे पास कुछ काम आता है और मुझे म्यूजिशियंस करने होते हैं, तो जो गाना है उस हिसाब से मुझे प्लेयर्स करने पड़ते हैं, क्योंकि तभी का एक जमाना था कि जो 100 लोग बैठ के बजाते थे, बट आज का जमाना आज के हिसाब से कि कम हो गए लोग, तो कम लोगों में भी हमें बहुत कुछ देना पड़ता है। तो जैसे कि लाइक समझो कभी कभी तबला और पखावज का ही गाना है, सो उस हिसाब से एक म्यूजिशियन करना पड़ता है, बट तबला, पखावज और बाकी के सब इंस्ट्रूमेंट्स जब आते हैं तब उस हिसाब से करना पड़ता है। कि अभी जैसे कि लाइक इंडियन जो कुछ होता है हैंड, इसका तबला, ढोलकी, पखावज का, तभी मैं ज्यादातर राहुल रुपोते करके है और भी बहुत से लोग हैं, मैं उनके साथ काम करता हूँ। फिर मेरे लाइफ में ये जो मतलब दीपेश, केयूर, ओमकार और शिखर भाई, तो कभी कभार एक्चुअली दीपेश के साथ रहता है तभी शिखर भाई रहता है, मतलब शिखर भाई के साथ हम लोग रहते हैं ये तो। और जैसे कि मैं जब काम करता हूँ तभी स्टीक वर्क वगैरह अगर ज्यादा तामझाम होगा तो लाइक मैं उस हिसाब से म्यूजिशियंस करता हूँ। तो सतीश, आपने बोला ज्यादा तामझाम होगा, तो ये पता कैसे चलता है कि तामझाम कितना है, मतलब कौन बोलता है आपको कि 5 लेके आ, 2 लेके आ? आज के इसमें कैसा है, मतलब मैं गाना है ना, तामझाम होता है, और डायरेक्टर को, म्यूजिक डायरेक्टर को उसका बजट क्या होता है उसको पता है, बट जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको हर कोई चीज इतने में इतने चाहिए होती है। सो बेसिकली अभी क्या होता है, हर किसी को समझ के हम लोग को वो काम करना पड़ता है। सो अगर तामझाम है तो मेरा एक मेरे काम में ऐसा है कि भाई अपने को इतना मिले बट मैं अपने काम में पूरा काम करूंगा। सो उसमें ऐसा नहीं कि यार धा छोड़ देना, धा क्यों बजाने का, ता पे बजाना छोड़ दे, ऐसा नहीं। सो कभी भी एक्चुअली तामझाम मतलब ये गाना अभी लाइक ऐसा नहीं कि ढोल ताशा मतलब यही तामझाम है, छोटे छोटे गाने में भी एक्चुअली तामझाम होता है। जो तामझाम एक्चुअली पर्सनली मैं बोलूँ तो दीपेश का जब मैं काम देखता हूँ मेरे को बहुत पसंद आता है, लाइक परकशंस का, परकशंस के जितने गाने उसके साथ मैं जब भी करता हूँ तो वो इतना परकशंस है, मैंने देखा है बहुत बार, तो वो भी एक्चुअली एक तामझाम ही है कि बहुत बड़ा मतलब छोटा गाना होता है बट उसमें भी लाइक
एक अगर कोई ग्रुव है धन कचन तां चंग कद तुन कच दुन भाम भाम, लाइक यही होता है ग्रुव। हर किसी को सुनने को ग्रुव बहुत अच्छा लगता है, लाइक बहुत सीधा लगता है, बट वो कई वक्त हम लोग को पता है कि वो क्या तान चंग। राइट, तो सत्यजीत ये जो आपने ग्रूव अभी सुना है एक डेमो के तौर पे, तो ये आप स्टूडियो में जाके कंपोज करते हो या पहले घर पे थोड़ा सुन के और क्या इंस्ट्रूमेंट लेके जाना है ये सब कभी डिसाइड होता है? ये एक्चुअली जब म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बातचीत होती कि कल अपने को ऐसे ऐसे गाना करना है ऐसा ऐसा है, तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि मुझे भेज दो, फिर भेजने के बाद वो सुनता हूँ। वो सुनने के बाद मैं अपने दिमाग में कुछ नहीं रखता, सिर्फ गाना सुन लेता हूँ, ओके ये है ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है ओके, फिर वापस कॉल करके पूछता हूँ कि हाँ मैंने गाना सुन लिया, अभी मेरे दिमाग में क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप बताइए कि आपके दिमाग में क्या है कि ये क्या क्या ऐसा ऐसा ऐसे। अभी हालांकि एक बीच में मैंने एक मूवी की थी मराठी मूवी हिरगणी, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था, मतलब इतना बड़ा टास्क था कि वो गाने का टाइटल के लिए मुझे 2 दिन लगे पूरे, मतलब 12-12 घंटे ऐसे मेरे को 2 दिन पूरे सिर्फ एक टाइटल के लिए लगे। और ऐसे होता है कि एक गाने में इंस्ट्रूमेंट सेम होते, एक गाने में इंस्ट्रूमेंट सेम्स होते हैं, बट कुछ कुछ स्टैंजा ऐसे होते हैं कि वो स्टैंजा क्लेम इंस्ट्रूमेंट अगर यूज करना है किस तरह से अपने को चेंज करना है डिपेंड्स ऑन ट्यून सीन। राइट, थैंक्स फॉर दैट इंफॉर्मेशन दीपेश। तो जब भी आपको, जैसे अपने लास्ट वीडियो में भी बात हुई थी कि आप इंस्ट्रूमेंट्स कैसे सिलेक्ट करते हो, जैसे सतीश ने बोला कि वो ट्यून के ऊपर है प्लस वहां पे भी यू नो गाने के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, विच इज टिपिकल फॉर एवरीबॉडी, लेकिन आप पहले से नक्की करके जाते हो कि भाई एक्स्ट्रा सामान लेके आना, सबको टीम मेंबर्स को बोलते हो कि भाई तू 2 चीज एक्स्ट्रा लेके आना, या फिर पहले से बोलते हो बस यही इंस्ट्रूमेंट लेके आ फिक्स्ड? नहीं, अभी जैसे फोक सॉन्ग है तो आपको यू हैव टू स्टिक टू पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंटेशन, बिकॉज़ फोक सॉन्ग में अभी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट लगने ही वाली है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा अगर ऐसा बोला गया कि नहीं फोक सॉन्ग है लेकिन यू कैन डू सम एक्सपेरिमेंट, तो फिर बात अलग है, देन ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा काफी सारा इंस्ट्रूमेंट कैरी करना ही पड़ता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यही प्रेफर करता हूँ कि एक बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन में रख लेता हूँ उसका, लेकिन थोड़ा सा मैं खुद भी कैरी करता हूँ एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स, और मैं सबको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जरा ये कैरी कर लेना है, शायद लग सकता है अपने रिकॉर्डिंग में, तो उस हिसाब से मतलब खाली क्या बोलते हैं कि लेकिन एक जो बेसिक क्या बोलते हैं जो लगना ही है इंस्ट्रूमेंट ये चाहिए ही चाहिए, वो तो लाना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके अलावा फिर इट्स एनी डे प्रेफरेबल टू कैरी एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स। एंड आप जैसे सचिन ने बोला कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसके हिसाब से ही कॉल्स म्यूजिशियन, कोई पखावज है या कोई तबला है तो ही कॉल्स, तो आप केयूर ओमकार और शिखर को कब सिलेक्ट करते हो, मतलब आप पूछते हो कि मेरा स्पेशल प्राइस है तो ही मैं तेरे को बुलाता, ऐसा कुछ है अंदर में? नहीं, मतलब मेरा कुछ स्पेशल है तो ही तेरे को लेता हूं, नहीं तो दूसरे को इस बार बुलाता हूं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब नॉर्मली ये लोग तो मतलब ये क्या बोलते हैं ये लोग पांचों तो मेरे ऐसा वो पीछे एक्स्ट्रा हाथ लगे हुए रहते ना वो लोग, ये लोग मेरे लिए तो इनके बिना आज तक कभी ऐसा कोई सेशन गया नहीं है जो मेरा हुआ नहीं है। right. तो लेकिन क्या होता है कि कभी कभी एक ऐसा सिचुएशन आती है कि तबला ढोलक भी चाहिए गाने में, और एक उसके अलावा थोड़ा सा डफ भी बजाना है या हैंड का ढोल भी बजाना है, तो फिर मैं उस हिसाब से जरा देखता हूँ कि अगर सत्यजीत है, अभी सत्यजीत मल्टी पर्कशनिस्ट है, वैसे ही ओमकार मल्टी पर्कशनिस्ट है, वो तबला भी बजा लेता है ढोलक भी बजा लेता है, तो उस हिसाब से अभी जैसे राहुल रुकोत है हम लोगों का दोस्त है, तो वो क्या होता है कि फिर एक मुझे क्या होता है ना एक ही म्यूजिशियन के अंदर अगर वो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स उतने ही अच्छे से बजा लेता है तो फिर मुझे ऐसे सेपरेटली बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को,
लेकिन हाँ अगर ऐसा है कि मुझे बोला गया कि पहले 8 ढोलक और 6 तबले करना है, उसके बाद फिर percussion करना है, तो फिर वो 8 ढोलक और 6 तबले का एक पूरा सेक्शन ही अलग रहता है जो और वो भी दीपेश तू इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े म्यूजिशियंस है ढोलक और ढोलक उन लोग को बुक करता तू। हाँ तो मतलब अभी जैसे नवीन शर्मा जी हैं वो आते हैं और उसके अलावा शराफत भाई हैं, यूसुफ भाई हैं, तो वो क्या रहता है कि अब जैसे 8 ढोलक है, लेकिन फिर मेरी कोशिश ये रहती है कि नहीं वो 8 ढोलक में फिर सत्यजीत भी मुझे वहाँ दिखना चाहिए। मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कर रहा हूँ अरेंज और मेरे ही मोस्टली तो मुझे ही कॉल लेना होता है कि किसको बुलाना है किसको नहीं, तो एक क्या रहता है कि सत्यजीत वहाँ बैठा रहता है सामने, तो फिर मुझे एक तसल्ली रहती है कि ये है तो फिर मुझे कुछ ये तेरा प्यार है। तो ये आपने जो बोला कि 8 ढोलक 6 तबला या यू नो, ये नंबर कौन डिसाइड करता है कि भी 8 बुलाऊं कि 6 बुलाऊं कि 12 बुलाऊं? नहीं ये नॉर्मली क्या है ना, इवन नंबर्स में करना बहुत बेटर है, क्योंकि वो आपको जो स्टीरियो इमेज जो मिलती है वो फिर करेक्ट मिलती है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि 5 ढोलक 3 तबला ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर 2 ढोलक है तो 1 तबला भी इनफ है उसके लिए, या 2 ढोलक 2 तबला इनफ है, 4 ढोलक है तो 2 तबला है, तो वैसा एक इवन नंबर्स में वो आपको मतलब ऑडियो वाइज आई एम टॉकिंग के आपको एक क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम अच्छा क्रिएट होता है उसकी वजह से। राइट, तो आई थिंक एज अ परकशनिस्ट आप सबको मैथ्स में भी अच्छा होना जरूरी है ना, मतलब वो गिनती वगैरह बहुत ज्यादा। राइट, तो केवल आप बताइए जैसे आपको अगर सत्यजीत या दीपेश बुलाते हैं रिकॉर्डिंग के लिए तो आप क्या क्वेश्चंस पूछते हो? चलो आगे से बुलाएगा। हाँ नहीं, हालांकि ऐसा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं दीपेश के साथ काम करता हूँ, मतलब वो बुलाता है। सत्यजीत के साथ मैंने बजाया बहुत है बट उसने बुलाया कम है। नहीं तो अभी फॉर इंस्टेंस कि कल रिकॉर्डिंग है एंड इन लाइक एज अ प्रायर डेट दीपेश ने मुझे कॉल करके बोला कि बी फ्री ऑन लाइक सो एंड सो डेट, लाइक इफ यू आर फ्री, वो सब अवेलेबिलिटी वो सब होने के बाद जब वो बोलता है कि ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग है, तब यूजुअली म्यूजिशियंस गाना डायरेक्टली स्टूडियो में ही सुनते हैं, ऐसा बहुत कम होता है कि अरेंजर ने गाना भेजा है, क्योंकि एज सच उसकी जरूरत हमें उतनी नहीं है बिकॉज वी आर जस्ट म्यूजिशियंस फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो एज अ अरेंजर दीपेश ने ऑलरेडी सब अगर गाना सुना है तो ही ऑलरेडी हैज सम थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट पर्टिकुलर सॉन्ग की, एंड दैट इज द रीजन प्रोबेबली ही इज कॉलिंग अ पर्टिकुलर म्यूजिशियन जैसा अभी उसने बोला। तो वंस ही कॉल्स मी तो उसके बाद सबसे मेरा पहला क्वेश्चन होता है कि मतलब आजकल वो मुझे एक्चुअली पूछना नहीं पड़ता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द सॉन्ग का टाइम सिग्नेचर 6:30 होता है, बट यूजुअली आई आस्क हिम जस्ट फॉर नॉलेज कि भाई टाइम सिग्नेचर क्या है या फिर गाना किस जोन का है। कभी कभी ऐसा होता है कि पीरियोडिक फिल्म है तो यू नीड टू एक्चुअली प्ले अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इन दैट काइंड ऑफ वो एरा दिमाग में रख के आपको बजाना पड़ता है। तो यही सब नॉर्मल चीजें है कि एंड पर्टिकुलर सो एंड सो लिस्ट कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट अपने को कल लगने वाले ये स्टूडियो में है, सो एंड सो इज द कॉल टाइम। बाकी तो मतलब बाकी हम लोग तो गाना और उसके आगे की थॉट प्रोसेस जब चालू होती है विद द अरेंजर हिमसेल्फ एंड विद द डायरेक्टर एज वेल, दैट इज एवरीथिंग हैपनिंग इन द स्टूडियो इटसेल्फ देन। तो शिखर, व्हेन यू आई मीन दीपेश हैज लर्नड फ्रॉम योर डैड, तो व्हेन यू गो फॉर रिकॉर्डिंग आप क्या क्या मतलब जानना चाहते हो? जैसे केयूर ने बोला, आप क्या टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं आपके दीपेश को या जो भी आपको बुला रहा है? मेरे एक्चुअली पहुंचने के टाइम के अलावा ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते ताकि मैं 1 घंटा पहले पहुंच सकूं वो टाइम से। 2 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, दो। एक्चुअली सब स्टूडियो की चाबी इसके पास ही दी हुई होती है। बट आई थिंक नहीं, वो मेरा थोड़ा टाइम पे पहुंचने की थोड़ी बीमारी है एक्स्ट्रा। बट अदर दैट ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं होते बिकॉज दीपेश पर काफी ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस है और वो काफी सीनियर है इन टर्म्स ऑफ रिदम अरेंजिंग, सो आई मीन इट बिकम्स मच इजियर टू अराइव एंड प्ले ऑन द स्पॉट और
वो ज्यादा फ्लो भी अच्छा होता है फिर रिकॉर्डिंग का, बिकॉज इट्स नॉट लाइक इम्प्रोवाइजिंग ऐसा नहीं होता, मतलब ऑब्वियसली थोड़ी प्लानिंग होती है, बट फ्रॉम माई साइड पर्सनली मेरे उतने क्वेश्चन नहीं होते, आई रीच एंड वी गो विद द फ्लो ऑफ द रिकॉर्डिंग. और हाँ मतलब थोड़ा डिस्कशन होते हैं अबाउट द पैटर्न्स या ये पिकअप या मे बी अ तिहाई इफ सम सॉन्ग्स रिक्वायर अ तिहाई. सो इट देयर्स उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, आई थिंक इट्स मोर अबाउट रिएक्टिंग ऑन द स्पॉट. कभी कभी यू नो कुछ अगर प्लान किया होता है तो वो दो घंटे बाद बदल जाता है या कैंसिल हो जाता है या कुछ और ऐड होता है उसके ऊपर इन अ पैटर्न और अ ग्रुप और वट एवर. सो हाँ आई थिंक रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ रिदम अरेंजमेंट ज्यादातर काफी ऑन द स्पॉट और यू हैव टू नो हाउ टू इंप्रोवाइज अ लॉट व्हेन इट कम्स टू रिदम अरेंजमेंट. Right, right. That's a good point. Omkar, you are also a multi-percussionist. So, जब भी आप दिपेश के साथ बजाते हो तो सभी इंस्ट्रूमेंट लेके जाते हो, कुछ एक्स्ट्रा भी रखते हो? बाय चांस बोलेगा चल भाई वो शेकर निकाल, तो बोलेगा अरे वो तो मैं लाया नहीं, बताना चाहिए था पहले से. नो उस टाइप का कभी कुछ होता है कि अरे यार पहले बोला था तो मैं लेके आता था सामान? तो अर्लियर ऐसे पहले होता था शुरू में, जब किया था, जब दिपेश से बुलाने शुरू किया था तब इट यूज टू हैपन कि मेरे क्वेश्चन होते थे कि एग्जैक्टली क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, और जितना बोला है फिर उतना ही कैरी करता था. और क्वेश्चन ज्यादा होते थे तभी क्योंकि स्टूडियो कौन से आना है या कब कितने बजे आना है क्या है, बट अब वो कॉल करके सिर्फ बोलता है कि कल रिकॉर्डिंग है इतने जगह पे, बाकी कोई कुछ पूछता ही नहीं, बिकॉज एवरीबडी नाउ नोज दैट ही इज ऑल्सो बिकम सो प्रोफेशनल एंड डूइंग अमेजिंग वर्क कि सबको पता है वो बराबर आपके निकलने के पहले आपको इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट आ जाएगा, तो वो भी हम लोग ज्यादा नहीं पूछते. बट अपार्ट फ्रॉम दैट हाँ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अभी जैसे अगर उसने हाई परकशन लाने बोला है तो उसमें मैंडेटरी है कि हम बगल बच्चा शेकर है या बड़ी जो भी दूसरी चीज है जो एफएक्स वाली चीज है वो कैरी इट, वो तो बोलनी नहीं पड़ती, तो वो अब बोलनी नहीं पड़ती एग्जैक्टली, पहले मेंशन करते थे अब बोलनी नहीं पड़ती. तो हाँ ऑब्वियसली अगर वो कुछ मतलब तबला या ढोलक है तो वो स्पेसिफिकली मेंशन करता है वैसे कि वी माइट नीड दिस वी माइट नॉट नीड दिस. तो या हाँ अभी कुछ कोड वर्ड्स भी हमारे प्रिपेयर हो गए, जैसे कि अगर उसने कहा कि पूछना मत कब खत्म होगा तो वी नो किसका रिकॉर्डिंग है ऐसे ऐसे कुछ और भी है. राइट राइट. या नो कॉपअप नो टू मच ऑफ क्वेश्चंस बट ऑलवेज देयर फॉर हिम. ओके ओके. तो सत्यजीत यू आल्सो लाइक आई स्टार्टेड ऑफ बाय सेइंग कि आप कभी म्यूजिशियन भी बन के जाते हो दीपेश के साथ और वाइस वर्सा. एक्चुअली मैं मुझे जहाँ पर बजाने बुलाते हैं मैं वहाँ पर बजाने जाता हूँ, जहाँ पर अरेंज करने बुलाते हैं वहाँ पर अरेंज करने जाता हूँ. और दीपेश और मैं मतलब जब से हम लोग मिले दोनों दीपेश और मैं, हम लोग की मुलाकात मुझे पता है कि महाभारत का टाइटल सॉन्ग चालू था. और मतलब मैं अजय अतुल दादा के पास अग्निपथ के बैकग्राउंड से वहां पर मतलब मेरी एंट्री वहां पर तब से हुई बैकग्राउंड से. नितिन दादा शंकर उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था वहां पर. फिर उसके बाद अजय अतुल दादा मुझे बुलाने लगे, फिर उसके बाद काम करते गया. और एक दिन ऐसा था कि बहुत लोग थे क्योंकि वो गाना ही उतना ये टाइटल सॉन्ग ग्रैंजर था. ग्रैंजर मतलब लाइक भाम, मतलब आप सुनोगे वो महाभारत का लाइक. तो और तभी ये सब लोग भाई लोग थे, दीपेश और बहुत से लोग थे, तौफीक गुरुजी के सब स्टूडेंट्स थे वहां पर. और मैं एक्चुअली मेरा जो स्टीकर मेरा जो घराना है वो ढोलकी घराना है. और डैडी ने मुझे बचपन से तबला सिखाया, बिकॉज ऑफ डैडी ने भी तबला बहुत जनों के पास सीखा हुआ है कि उनके बड़े बड़े गुरु जी के पास सीखा हुआ है. उनमें से मतलब उनका उनके गुरु का नाम लूंगा पंडित अरविंद मुर्गावकर गुरु जी, उनके पास उन्होंने तबला सीखा. और बेनी सातवकर गुरु जी उनके पास भी सीखे हुए. सो उन्होंने मुझे लाइफ में तबला सिखाया, घराना थी, बट तबला सिखाने के बाद सब कुछ मुझे आगे दिया. मुझे पहले ढोलकी नहीं दी है, ढोलकी तो मेरे खून में ही है. सो पहले तबला सिखाया, फिर आगे 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 बातें होती गई. फिर लाइक जो स्टिक वर्क मेरे हाथ में आया वो बहुत सालों के बाद आया. और मैंने कभी किसी के पास सीखने नहीं गया स्टिक वर्क. मैंने जस्ट जितने जितने अच्छे लोग हैं मेरे साथ मैंने उनको बहुत फॉलो किया.
और फॉलो ऐसे किया और कुछ कुछ लोगों को मैंने पूछा भी कि प्लीज मेरे को सिखाओ ना, तो तभी कुछ लोगों ने ऐसे बोला अरे नहीं बेटा करते जाओ तुमको आ जाएगा। सो उन्होंने शायद वो वर्ड बोला इसलिए मुझे लगा भी हाँ मैं करते जाता हूँ मुझे आ जाएगा, और आ तो गया है, मतलब इतना नहीं आया बट थोड़ा सा आ गया। सो बेसिकली ये लोग जो है दीपेश केऊर ओमकार वगैरह शिखर मतलब आज की तारीख में मेरा इतना फेवरेट प्लेयर है शिखर, मतलब रियली मतलब क्या क्या आप भी सत्यजीत का ढोलकी पे हाथ बहुत कमा ले नहीं और वो प्योर क्लासिकल भी बजाता है ढोलकी पे। थैंक्स। तो ये इन लोग के साथ मुझे जब बजाना है तो मुझे बहुत डर लगता, मतलब तभी बहुत डर लगता था लेकिन अभी डर नहीं लगता बिकॉज ऑफ हम लोग गिव एंड टेक बहुत करने लगे हुए जब से हम लोग मिले हुए और दीपेश के साथ तभी मैंने अजय अतुल दादा के साथ उन लोगों के साथ मिला, फिर बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई, उसके बाद मुझे दीपेश खुद बुलाने लगा एज ए प्लेयर, फिर दीपेश को भी मैं हर जगह मेरा जब काम एज ए अरेंजमेंट रहता तो मतलब उतने हैप्पी आनंद से मेरे साथ बजाने को आता था बिकॉज ऑफ वो किसी के पास लाइक ऐसे एज ए प्लेयर करके नहीं जाता है, वो नसीब है कि लाइक मेरे साथ वो एज ए प्लेयर करके आता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ उसका माइंड बहुत अच्छा मुझे लगता है। दीपेश का माइंड पहले आप अगर गाना हम लोग स्टूडियो जाते हैं और करने का होता है तभी दीपेश का दिमाग में क्या चालू है कोई नहीं बता सकता, वो शांत रहता है और मतलब हम लोग की तू बे में इतनी होती रहती है उतनी मतलब बहुत होती रहती है। सो जब भी हम लोग एक तो ज्यादातर हम लोग यशराज में ही काम करते हैं और यशराज में हम लोग मिलते रहते हैं, सो देख रहे हैं हम लोग भी यशराज में हम लोग कोई तो एक छोटा रूम दे देगा बेडरूम कहते वाले सो बेसिकली दीपेश का वर्क मेरे को अच्छा क्यों लगता है कि जब भी हम लोग सुबह सुबह मिलते हैं, सुबह सुबह मिलने के बाद ऐसा नहीं कि हाय 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 नहीं, ऐसे मिलते कि लाइक हे मैन क्या क्या चलू है सब ऐसा ऐसा राइट, लाइक वैसे करते 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 हम लोग पूरा दिन हम लोग ने काम किया है वो भूल जाते हैं राइट, बिकॉज ऑफ अगर जो अपने को लीड करने वाला बंदा ही सही नहीं होगा तो वो दिन पूरा बेकार जाता है। अभी दीपेश के दिमाग में होता है वो गाना कि तो पहले क्या, तो दीपेश क्या लेना है अपने को डफ लेना है, देन डफ लेना है, उसके बाद भी बहुत कुछ होता है, डफ लगाया है भाई लेकिन उसको हाथ से बजाने की स्टिक वर्क से बजाना है वो भी डिपेंड होता है, फिर बहुत से स्टिक्स है। अभी अभी इतने सालों में मतलब लाइक ये दीपेश हम लोग कुछ 6-7 साल हुए, सात साल ये 6-7 साल में मतलब मैं बताता हूँ जब जब मैं ज्यादा बड़ा काम करने लगा तभी मुझे पता चला कि भाई एक स्टिक से काम नहीं होता है एक स्टिक हर तरह की होती है, ब्रश स्टिक होती है, मैलेट स्टिक होती है, हर स्टिक के अंदर अलग अलग नाम है, टिम्बाली स्टिक होती है, मैंने एक यूएस से मैंने एक पतली स्टिक लाई थी वो किसी के पास नहीं थी, एक टिम्बाली की एकदम पतली वाली, मैंने वो क्यों लिया था एक्चुअली मैं जब मैं मुंबई आया तो मुझे इन लोगों को बताना था मेरे टीम को कि दीपेश वगैरह क्यों रुके यार मैंने कुछ लाया है कुछ अलग लाया, वो स्टिक ही है बट वो स्टिक का साउंड कौन सी इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करना चाहिए वो अपने को पता होना चाहिए right. जब मैंने वो स्टिक देखा वाओ यार इसका मैं देख अभी भी क्या करके जाके, फिर मैं जब मुंबई आया तो मैंने हल्गी एक्चुअली है ना पतले स्टिक से बजाई जाती है हम कौन सी चीज कौन से इंस्ट्रूमेंट के यूज कैसे कर सकते हैं वो हम लोग हर वक्त ढूंढे रहते हैं, और दीपेश तो हर वक्त हर इंस्ट्रूमेंट में ढूंढता रहता है
वो कभी क्या कर सकता है, मैं हर वक्त बोल रहा हूँ कि कभी क्या कर सकता है वो कोई नहीं बता सकता, बिकॉज ऑफ लाइक गाना चल रहा है कर देगा, पता नहीं चलेगा, बट वो भी बीच में ऐसे लगेगा यार डिस्टर्ब किया, बजाते वक्त ऐसे लगेगा डिस्टर्ब किया, बट उधर जब रिकॉर्ड होता है वो ऐसे लगता है यार क्या है हूं। तो दीपेश, हाँ सो दीपेश को हम लोग उस टाइम कोई रोकते नहीं है ये क्या गया है ऐसे क्या है, तो अंदर क्योंकि उसके दिमाग में वो चलते रहता है। हाँ केवूर ओमकार हम लोग शिखर हम लोग कभी कभी दीपा यार ये अच्छा नहीं लग रहा है ये कुछ करके देखते हैं, तभी दीपेश ये नहीं बोलता है नहीं नहीं मैंने तुमको बुलाया ना, तभी ऐसा नहीं कुछ। उसका ये प्लस पॉइंट है कि ये माजिस बैट है ना माजिस बॉल है ना नहीं। सो लाइक दीपेश का मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है कि अरेंजमेंट करते वक्त ऑलवेज गिव एंड टेक, ये जरूरी है कि जितने लोग हैं साथ में उनका गिव एंड टेक लेना जरूरी है। करेक्ट करेक्ट। अभी कभी फोक का कोई गाना होता है तो फिर सत्यजीत के सामने मेरा हैंड्स डाउन रहते हैं कि नहीं भाई तू मुझे सजेस्ट कर कि फोक में कैसा क्या होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज बहुत बार ऐसे गाने हुए हैं जिसमें मतलब हिंदी फिल्म के गाने हुए हैं जिसमें मराठी फ्लेवर बहुत चाहिए रहता है महाराष्ट्रीयन फ्लेवर। अभी जैसे रिसेंटली तानाजी में जो शंकरा गाना हुआ तो उसमें दो सेक्शन है ढोलकी के, तो उसमें फिर जब वो ढोलकी पे जाके वो बैठा तो मैंने बोला अब तू देख कितने बार है अब तू बता इसमें क्या अच्छा हो सकता है, बिकॉज वो इंस्ट्रूमेंट की जानकारी जितनी उसको मुझे नहीं है। सो मैं ऐसा प्रिटेंड नहीं कर सकता हूँ कि मुझे ये भी मालूम है मुझे वो भी मालूम है मुझे इसका भी नॉलेज है। हाँ मुझे नॉलेज हर चीज का है, मुझे पता है कि उस इंस्ट्रूमेंट से क्या साउंड बाहर आएगा कैसा आएगा, लेकिन एक पैटर्न जो है जो एक ट्रेडिशनल चीज है तो वो मैं उसका इनपुट ज्यादा मेरे लिए जरूरी है कि सत्यजीत तू बता भाई ढोलकी पे तू बैठा है तो तू बता कि इसमें फोक में क्या बच सकता है इसके ऊपर क्या कॉम्बिनेशन अच्छा आ सकता है। तो वो सारी फोक की महाराष्ट्रीयन फोक की चीजें मैं अजय अतुल दादा से और सत्यजीत से बहुत सीखा हूँ कि महाराष्ट्रीयन फोक में क्या क्या होना चाहिए किस तरीके से बजना चाहिए क्या कॉम्बिनेशंस होने चाहिए पर्कशंस के। और आपको क्योंकि क्या होता है ना कि फोक आप जब करते हो तो एक तरीके का एक बॉर्डर क्रिएट हो जाती है तो आपको बॉर्डर में रह के ही उस चीज को करना पड़ता है। Right. तो मैंने इन लोगों से बहुत सीखा है, इनफैक्ट सत्यजीत से तो मैंने बहुत सीखा है कि फोक में क्या क्या होना जरूरी है क्या एलिमेंट क्या मायने रखता है ढोलकी कितने मायने रखती है, ढोलकी के साथ एक घुंघरू का एक अलग से कॉम्बिनेशन बचता है पीछे वो कितना इम्पोर्टेंस रखता है वो चीज है। तो ये सब मैंने बहुत सीखा है सत्यजीत से। तो मेरा कभी भी सेशन में ऐसा नहीं रहता है कि बस मैं आ गया तो अभी मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज क्या है कि मैं इन लोगों के बिना मेरा वो साउंड ही कंप्लीट नहीं है। ये लोग होंगे ही नहीं, ये लोगों का सपोर्ट नहीं होगा, ये लोग साथ में नहीं रहेंगे तब तक वो चीज अचीव ही नहीं कर पाऊंगा मैं अकेला भले 10 टेक बजा लूं, लेकिन वो जो 5 लोगों का 6 लोगों का जो मिलके एक जो बाहर स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है वो एक आदमी नहीं कर सकता है। तो अभी जैसे सिमिलरली शिखर हुआ जैसे उसने बोला कि मैं ज्यादा सवाल मेरे नहीं रहते हैं, हम लोग तो सामने से बोलते हैं भाई कुछ पूछ तो हम लोग को अच्छा लगेगा। तो लेकिन क्या होता है कभी कभी मैं कुछ बजा रहा हूँ कुछ दिमाग में आया कोई चीज आई वो रोक के फटक से बोलेगा पिछले गाने में तूने यही बजाया था मत बजा, उसको उसकी मेमोरी उतनी शार्प है कि ही नोज कि ये लास्ट रिकॉर्डिंग में मैं आया था और फिर वो सीधा पूरा गाना ही याद दिला देगा कि देख ये फिल्म का ये गाना किया था और तूने यही टीआई वहां पे रिपीट की थी तो अभी ये मत कर। तो बहुत बार ऐसा होता है कि शिखर के बहुत सारे सजेशंस आते हैं पैटर्न को लेके या कोई फ्रेजेस को लेके या कोई तिहाई क्लासिकल फ्रेज हो गया या ये हो गया तो फिर शिखर के बहुत सारे इनपुट्स रहते हैं तो वो भी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे रहते हैं तो वो भी एक हेल्प करता है काफी कुछ। वैसे ओमकार का भी जैसे है तो ओमकार को भी मैं वही पूछता हूँ कभी क्यूर हो गया ओमकार हो गया चालू टेक में मैं पैटर्न कुछ अगर आया दिमाग में तो ये लोग बोलते हैं कि यार थोड़ा रेगुलर हो गया है थोड़ा कुछ अलग कर इसको कुछ अलग कर तो ये क्या एक पुश मिलता रहता है पीछे से right. ये हो गया ये हो गया ये मत कर ये हो गया ये मत कर ऐसा कर वैसा कर
तो अभी जैसे सत्यजीत हुआ, तो सत्यजीत को फिर मैं अगर कोई फोक की कोई चीज हो रही है, कुछ ढोलकी का बज रहा है, तो मैं सजेशन अगर देता हूँ सत्य इसको ऐसा ऐसा हो सकता है क्या, तो वो फिर बोलता है नहीं मतलब हो सकता है लेकिन अगर ट्रेडिशनल वे में करना है तो फिर उसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से बजाते हैं। तो वो भी एक बहुत जरूरी रहता है जानना कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपने खाली बस बुला लिया इंस्ट्रूमेंट लेके और वो जानकार है उस चीज का, तो आपको उसका इनपुट लेना बहुत जरूरी है। करेक्ट, तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। ट्रू, जस्ट टू एड ऑन कि अभी स्टिक वर्क दीपेश में ओमकार शिखर हम सब करते हैं एंड यूजुअली मतलब अगर डबल टेम्पो होता है या फिर कोई पर्टिकुलर एक फोक पैटर्न बचता है जो हम लोग कभी कभी स्ट्रीट पे सुनते हैं, मतलब धंधा नगर धंधा नगर धंधा नगर, अभी यूजुअली स्ट्रीट पे बचता है, बट वी ट्राई टू प्ले इट जो हम लोग ने सुना है। बट जैसा दीपेश ने बोला कि सत्या के खून में वो ढोलकी तो है ही, बट जो एक फोक का जो हम बास बोलते हैं ना, वो उसका स्विंग इतना खतरनाक है कि मतलब वो छोटा छोटा गोस्ट नोट उसका जो वेटेज पड़ता है उससे वो पूरा पैटर्न ही मतलब खिल जाता है। तो शिखर, नाउ दीस बॉयज हैव लर्न्ड फ्रॉम योर फादर, ही इज अ वेरी वेरी लर्नड पर्सन, तो आप जब दीपेश के साथ बजाते हो तो वो आपको बोलता है अरे डैडी का वो लेके आना खास एक इंस्ट्रूमेंट है रिकॉर्डिंग में, ऐसा कुछ ऐसा कुछ उनसे परमिशन लेनी पड़ती है फोन करके कि सर ये मिल सकता है क्या? So do you have your own set of instruments या आप कभी शेयर करते हो? अभी recently last 2-3 साल में खुद के लिए है, but हमारे घर में इतने सारे instruments हैं और जगह बहुत कम है, तो इसलिए वो जो ऑलरेडी है काफी सालों से वही लेने पड़ते हैं, एक्सक्लूडिंग वन टॉकिंग ड्रम एंड वन मादल विच इज ऑफ लिमिट्स फॉर एनीवन, बाकी सब वो अलाउ करते हैं। और बताए अभी एक बोलू, हाँ बेरिम्बाओ बताए हो बेरिम्बाओ आशा 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 बाकी सब सत्यजीत एक आशा गिफ्ट करने वाला है शिखर को जो अभी तक नहीं किया है उसने। हाँ मैं रुका हूँ कब से। यस शिखर, सो यू सिंग? नहीं यानो बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स लेके जाने को वो अलाउ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। Yeah, that's it. There's no excluding one few rare instruments like the batayo and talking drum, जो वो insist करते हैं कि अगर वो रहे recording में तो ही वो लेके आएंगे, बाकी ऐसा कुछ उनका ये नहीं है कि और दीपेश भी अगर कुछ चाहता है तो वो directly पूछता है, मतलब वो मुझे नहीं बोलता, बोलने की जरूरत नहीं है, because that is how Baba is as a guru. Can all ask him whatever we feel like directly. Yeah, he is favorite student na. So we were talking के एक आप लोगों के बीच में you know y'all are almost more or less the same age, वो दीपेश अपना डैडी जैसा लगता है सबका, मतलब अंकल जैसा लगता है, पर बोल लो अगली डेट आने वाली बोल लो। तो because of being of the same age group, थोड़ा अपना जोक्स मस्ती मजाक ये सब स्टूडियो में तो चलता है, बाहर भी चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी, लेकिन जब भी अंदर स्टूडियो में जाते हो तो उसने बुलाया अपने को, भले वो बोलता है कि मैं आपसे सीखता हूँ आपको पूछता हूँ, लेकिन ही इज इन चार्ज ऑफ दैट प्रोजेक्ट, तो कंपोजर से बात करने का इंटरेक्शन में आप लोग कुछ बोलते हो कि वो ही डायरेक्टली बात करता है कंपोजर से, एंड प्रोफेशनल एनवायरमेंट कैसा रहता है इन द रूम? ओके, सो आंसरिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन, यूजुअली डायरेक्टर से दीपेश मतलब कंपोजर से दीपेश की बातचीत ज्यादा होती है, बिकॉज यूजुअली ऐसा हो सकता है, मतलब हम लोग भले दीपेश के साथ बहुत गानों में या बहुत प्रोजेक्ट्स में काम किया है, बट फॉर एन इंस्टेंस की अगर कंपोजर ही नया है तो ही प्रोबेबली मे नॉट नो ऑल ऑफ अस, सो दीपेश इज लाइक द मेन मीडियम ऑफ कॉन्टैक्ट, सो मोस्टली दीपेश से बातें होती है, बट जैसा सत्यजीत ने भी बोला कि अगर दीपेश ने काम लाया है या फिर दीपेश को काम एक कंपोजर ने दिया है, दैट डज नॉट मीन कि हम ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट अलाउड टू टॉक या फिर टू सजेस्ट फ्यू थिंग्स, बट इंस्टेड ऑफ सजेस्टिंग डायरेक्टली टू द कंपोजर, या वी मोस्टली हैव अ वर्ड विद दीपेश दैट टू इनसाइड अ डबिंग रूम कि भाई मतलब कंपोजर ऐसा ऐसा बोल रहा है, वी ऑल कंप्लीटली एग्री टू दैट कि वैसा होना चाहिए, बट एज एन ऑप्शन मेरे दिमाग में ये आया है तो लाइक कैन वी डू दैट, मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट मी,
दीपेश खुद भी वो कभी कभी होता है उसका कि अरे कंपोजर ये बोल रहा है करने को, मतलब उसके दिमाग में वो है बिकॉज ही ऑलरेडी हैज सम काइंड ऑफ साउंड रिलेटेड टू हिज ओन कंपोजिशन, बट आई थिंक इट वोंट गो विद द ट्रैक. सो मैं उसको जरा सजेस्ट करता हूँ, क्या कहते हो बंधु लोग कर सकते हैं क्या? सो इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक बिटवीन वी एंड दीपेश मोर कंपेयर टू द कंपोजर. नाउ आंसरिंग सेकेंड क्वेश्चन, दीपेश फॉर अ प्रोजेक्ट प्रोबेबली ही इज आर बॉस, बट वो खुद कभी ऐसा बिहेव बॉसीगिरी नहीं करता है ना, हम लोग उसको करने देते. नहीं बट जेन्युइन नोट कि हम लोग मस्ती मजाक बहुत करते हैं. सी एट द एंड वी आर म्यूजिशियंस आर्टिस्ट्स एंड उसमें टिपिकली ऐसा क्यू है पता नहीं, बट रिदम ओरिएंटेड जितने भी म्यूजिशियंस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं. सो या तो हाँ बहुत ज्यादा, तो हम लोग भी बहुत मस्ती करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू वर्क, व्हेन वी हैव टू डिसाइड अ पर्टिकुलर पैटर्न या फिर वी हैव टू वर्कआउट समथिंग थरली जो उतना बार्स में फिट करना है, तो आई गेस सब लोग उसको सब लोग बोलेंगे कि वैसा नहीं है कि हम लोग मस्ती नहीं करते, बट काम के टाइम थोड़ा कम होता है हम लोग का इन जनरल, ऑटोमेटिकली कम होता है. अगर कोई पैटर्न बजाते अगर रुक गया, अगर मैं बजाते अटक गया, कभी कभी माइंड लॉक हो जाता है, तो हम लोग ऐसे ही मस्ती फिर अरे विकेट विकेट अटक गया, मतलब दैट इज ऑल फाइन राहुल, बट बट काम के टाइम थोड़ी मस्ती यूजुअली कम होती है, एंड स्पेशली लाइक व्हेन यू कम टू नो कि अरे वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क एंड स्टिल लाइक और भी बहुत काम बाकी है और अभी घर पे जल्दी जाना है, तो मतलब मस्ती बिल्कुल बंद हो जाती है. राइट तो अभी थोड़ा ओमकार से भी बात कर लेते हैं. तो ओमकार व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग, ठीक है आप बाकी सबके साथ कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे सेंटर में खड़ा रख तू साइड में रहे, मतलब वो पोजीशनिंग उस सब का भी कुछ होता है क्या अंदर अंदर? नहीं ऐसे कुछ होता नहीं है बट अरे हंस क्यों रहा है, मैं सच में बोल रहा हूँ ऐसा कुछ होता नहीं है बट गलत सवाल. हाँ गलत गलत सवाल, एक्चुअली सवाल सही है, गलत आदमी को पूछे. ये तो उसे बात करवाना था यार, वो कुछ बोल ही नहीं रहा इसीलिए. अरे ना बोलो बोलो. बेसिकली विजुअली मैं अगर क्वेश्चन के पास जाते हुए मैं अगर सोचूं तो विजुअली आई जस्ट मेक श्योर कि सबको दीपेश दिखे, ऐसे पोजीशन पे हम लोग खड़े रहने का ट्राई करते व्हिच मेक्स मोर सेंस बिकॉज़ जो भी फाइनल पैटर्न है वी ट्राई एंड प्ले एज दीपेश इज एग्जैक्टली प्लेइंग, सो इट मेक्स अस साउंड एज वन. तो दैट्स ऑल आई थिंक विजुअली अगर हम लोग ट्राई करते कि जो सेंटर में रहेगा उसको फॉलो करना है तो वो सेंटर में तो रहे तो ज्यादा बेटर है. आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटेलिजेंट आंसर. Yeah, and sonically, obviously, Vijay Dada and any other engineer would prefer having sonically differentiation and symmetric sounds as well. So, agar hum log 5 jan hai, 6 jan hai, jaise bhi hai, to we prefer having a small curve starting from the center towards the sides. Okay, this question is to everybody. मतलब अपने को मच्छी मार्केट नहीं बनाने का, लेकिन फिर भी जिसको बताना बताए कि एक जन बता रहा था कि बॉस लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के टाइम पे ना इतना फैंसी माइक्रोफोन था, ना इतना फैंसी रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट था, ऑफ कोर्स नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स भी ज्यादा थे, और बहुत ही कम माइक्रोफोन से वो जो साउंड क्रिएट होता था वो आज भले 4 लोग बजाए, 6 लोग बजाए, 10 लोग बजाए, वो बात नहीं है. उसमें आपका क्या कहना? आई थिंक सत्यजीत कैन आंसर दिस बेटर. मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मेरे से भी ज्यादा पुराना वो नहीं नहीं पुराना ऐसे नहीं, बट डैडी ने बहुत दिखने में पुराना दिखने में डैडी ने बहुत काम किया है इसमें, मतलब जो पहले के जितने गाने थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के और बहुत से लोगों के, एक्चुअली वो टाइम में मैंने जितना सुना है कि सब लोग साथ में बैठते थे, एक ही कोपड़ी माइक होता था लाइक रिदम में और एक माइक और थोड़ा दूर. सो बेसिकली कि वो टाइम का मशीन्स, वो टाइम के ये दीपेश स्पूल हाँ उसको क्या स्पूल बोलते हैं, स्पूल एनालॉग स्पूल, हाँ स्पूल और नहीं वो पट्टी को लाइक टेप
हाँ टेप टेप करके भी पट्टी को टेप क्या क्या और क्या बोलेंगे पट्टी को और क्या बोलेंगे सेलो टेप होगी और नहीं नहीं सो बेसिकली वो टाइम के जो छापने मतलब बजाने वाले तो सॉलिड ही थे तगड़े थे वो लोग हाँ मतलब गुरु थे रील रील करीम बाबा ये लोग एक ढोलक ढोलक का स्टाइल मतलब अभी का जो ढोलक बजता है वो अलग है पहले के जमाने का अगर मैं बताने जाऊं मतलब सॉरी आपने जो क्वेश्चन पूछा उससे थोड़ा अलग जाके बताता हूँ पहले छल्ला जो था वो बहुत सिंगल बजता था टिक्का टिक्का लाइक सिर्फ सम पे मतलब टिक्कच डिंग टिक्कच डिंग डिंग कच डिंग डिंग लाइक उसके बाद थोड़ा थोड़ा डिंग टिंगच डिंग डिंग टिंगच उसकी स्टाइल धीरे धीरे बदलते गई वैसे भी वैसे ही लाइक ढोलकी में भी जो केरवा टेका बोलते दिक अभी बजा डिंग डांगा चिक ढांगा डिंग डांगा चिक ढांगा लाइक अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं है इसलिए मैं एटलीस्ट मैं अपने मुंह से बोलने की कोशिश करो पहले के जमाने के एकदम लाला बाबू जो पंडित विदा थे इनके इनके जमाने जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने वो जमाने में जो केरवा बजता था ना डिक डांगा डांगा टिक डांगा डांगे टिक डांगा इसमें ग्रेसेस और ये सब बहुत कम है ग्रेस किसमें है सिर्फ बाया में डिक डांग डांग डिक डांग फिर धीरे धीरे बढ़ते गया डिक डांटे डांटे अभी ते ते बढ़ गया सो लाइक बेसिकली ऐसे है कि बढ़ते गया फिर जो जितने बड़े बड़े बजाने वाले थे लोग वो टाइम और एक तो वो स्टूडियोज भी इतने बड़े बड़े हॉल मतलब लाइक हाइट में भी तो उसके वजह से एक तो एम्बियंस मिलता था वो एक एम्बियंस फिर जो पास में बैठे हुए वो एक साउंड मिलता था अभी का साउंड टाइट है या नहीं वो अलग बात है एक्चुअली बहुत टाइट है बिकॉज ऑफ हाँ लेकिन उतना क्रिस्पी नहीं है मैं ये बोल सकता हूँ क्योंकि वो टाइम का साउंड क्रिस्पी था अभी का साउंड क्रिस्पी बनाना पड़ता है बिकॉज ऑफ मशीन्स लेकिन तब भी अभी अभी कुछ धीरे धीरे एनालॉग्स मशीन्स वापिस आने लगे हुए हैं जो कुछ कुछ लोग यूज कर रहे हैं जैसे कि हमारे असलम सर असलम खान सर वो अपने स्टूडियो में नए नए रोज मतलब हर महीने नया नया एनालॉग मशीन वो अच्छी तरह से मतलब लाइक बहुत अमाउंट है उसकी कॉस्टिंग लेकिन वो पे करके वो ला रहे अपने स्टूडियो में सो मुझे ऐसा लगता है कि हर स्टूडियो में जो एनालॉग था डिजिटल से जितने धीरे धीरे एनालॉग पे आ जाए उतना जल्दी सब स्टूडियो आ जाए मुझे ऐसा लगता है तो साउंड और चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ और यशराज की बात कहूँ तो विजय दादा मतलब वो अलग लेवल का आदमी है कि विजय दादा वो इन लोगों के साथ आया हुआ है सो बेसिकली कैसा है उसको वो साउंड पता है वो साउंड पता है इसलिए वो आज की तारीख में वो साउंड भी आज की तारीख में ले सकता है सो उसको पता है कि आज के माइक्रोफोन्स और वो टाइम के माइक्रोफोन्स उसमें कितने जमीन आसमान का फर्क है लाइक दीपेश मतलब मुझसे ज्यादा दीपेश ये बता सकता है कि उसकी फ्रीक्वेंसीज क्या है वो बता सकता है मैं फ्रीक्वेंसीज नहीं बता सकता बट एज ए साउंड कि पहले के जमाने झिंग टाटा छिंग टाटा झिंग टाटा ये सब लोग एकदम झंग नाता छिंग टाटा झंग नाता ऐसा सुना है क्यों देता था बिकॉज ऑफ वो माहौल उतना बड़ा आज के स्टूडियोज सब स्टूडियोज उनकी हाइट और रूम इतना बड़ा नहीं है सो उस हिसाब से सिर्फ वो रूम का और जो सामने माइक रखे हुए वो ही साउंड लेता है सो इसलिए मतलब वो टाइम का साउंड और ये टाइम का साउंड अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो बहुत अलग है एक्चुअली वो साउंड को हम लोग कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते एक एक रीजन ये भी है कि वो टाइम पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं था हाँ अगर प्यारे भाई ने बोला है कि मुझे 40 रिदम वाले चाहिए तो फिर 40 चाहिए वो नहीं है कि अरे क्या 40 की जरूरत है 20 में हो जाएगा डीटी मार लो हो गया 40 नहीं वैसा नहीं था वो 40 का 80 करते थे डीटी करके या जो भी करके बट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं था
और अगेन जो स्टूडियो के जो रूम हाइट्स की बात की सत्यजीत ने, तो वो रूम बड़े बड़े रूम्स थे, तो एक नेचुरल रूम जो कैप्चर होता था उनके प्लेइंग में, वो एक अलग ही साउंड बन जाता था। मतलब आप अभी भी अगर खुदा गवा के गाने सुने, एलपी का जो म्यूजिक है, तो उसमें एक आपको एक ग्रैंडियर ही अलग सुनाई देगा, बिकॉज प्रोग्रामिंग भी की गई उसके अंदर। मतलब रंजीत बारोट सर ने ही बहुत से गाने उसमें अरेंज किए हैं, प्रोग्राम किए हैं, लेकिन उसके अलावा भी वो जो ग्रैंडियर है वो क्यों है, क्योंकि इतने अमाउंट में म्यूजिशियंस ने आके बजाया है, इतनी बड़ी क्वांटिटी में पूरा सेशन किया गया है। आज अगर अजय अतुल ने देवा श्री गणेशा के लिए अगर 100 ढोल ताशे रिकॉर्ड किए हैं, तो दे मेक श्योर के वो ग्रैंडियर दिखाई दे, वो ग्रैंडियर सुनाई दे, ऑडिबल हो। तो ऐसा, और ऐसा भी नहीं है कि बिना रीजन के ही बस खाली दिखाने के लिए काम है 10 का लेकिन दिखाएंगे 20, वैसा भी नहीं है। जो जितनी जरूरत है उतना होना जरूरी है। अब जैसे हम लोग 5 लोग हैं, तो अभी जहाँ पे वो साउंड रिक्वायर्ड है 5 लोगों का, वो 5 लोगों का ही साउंड रिक्वायर्ड है, वो 3-2 लोगों में नहीं हो सकता है। वो कॉम्प्रोमाइज करने के क्या बोलते हैं, स्टेज से निकल के थोड़ा सा अपने आप को एक्सपैंड करना बहुत जरूरी है कि नहीं भैया, मुझे अगर इतने की जरूरत है तो मुझे इतने की जरूरत है। मतलब फिर उसके अंदर फिर वो फाइनली ऑडियो में पता चल ही जाता है कि आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया ऑडियो से। राइट, तो ये तो दीपेश ने जो बोला कि नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, एक्चुअली ये सब बातें जो है वो एक्चुअली मतलब रिकॉर्डिंग में जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द हैंड्स यू वांट टू हैव इन द सेशन, दैट ऑब्वियसली डिपेंड्स आल्सो ऑन द बजट थिंग। बट इन आवर पर्सनल ओन लाइक जितना इंडिविजुअल हम काम करते हैं उसमें भी हम लोग को हमारे गुरु तौफीक भाई ने एक ही चीज, यही चीज हमेशा बोली है कि वॉट एवर वर्क यू डू, आप कहीं पर भी बजाओ, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर साउंड क्वालिटी। मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अरे ये तो जगह यार इतनी सी है, सुनने वाला भी उतना कोई नहीं है, तो हैंड की उतना चल 52 नहीं है पर एक सादा माइक दे दे चलेगा, सुनने वाला कौन है। हम लोग में से क्योंकि व्हाट हैपेंस इज आपको जो चाहिए रहता है, आप जो सोचते हो वो साउंड अगर आपको नहीं मिला तो आपको खुद को मजा नहीं आएगा, तो ऑडियंस को तो ऑब्वियसली नहीं आना है। राइट, तो शिखर like Taufeeq bhai has been recording for several years now, matlab decades I would say, to ghar pe aapki aisi kuch baat hoti hai jaise when you go back home after a recording with Dipesh ke aaj aisa aisa hua, aaj is type ka pattern bajaya, to unke kuch comments ya unka koi past mein, are hum jab bajate the to aisa karte the, aisa kuch aapka discussion hota hai unse?